कांग्रेचुलेशंस आप सबको, रमजान का महीना शुरू हो रहा है, फिर वो आपसे पहले जानना चाहेंगे जो गाना आ रहा है माह रमजान उसके बारे में। जो गाना आने वाला है माह रमजान का, उसके लिए बहुत एक्साइटेड हम लोग, क्योंकि ये जो सॉन्ग हम लोग ने शूट किया है इसकी वाइब ही अलग है और ये बहुत अलग शूट किया हम लोगों ने। हमेशा आप लोगों को हमारा कुछ ना कुछ ग्रैंड देखने मिलता है, मगर इस बार भी ये अलग ही तरीके का ग्रैंड है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह आप लोग बहुत पसंद करोगे और बहुत प्यार करोगे इस। तो रमजान की क्या तैयारी है? पूरा महीना फास्टिंग का रहता है और बहुत अच्छा लगता है कि सुबह सुबह उठो सहरी के लिए 4 बजे और फिर उसके बाद शाम में जब हम 6 बजे अपना रोज़ा खोलते हैं 7 बजे मगरिब की अज़ान सुन के, तो ये अलग ही महीना है और बहुत सुकून का महीना है और अलग ही, मतलब इसमें इतना प्यारा महीना है कि इसमें आप एक नेकी करोगे तो 70 नेकी के बराबर है। तो बस दुआ करो इंशाल्लाह कि ये महीना करीब आ गया है और इंशाल्लाह खूब ढेर सारी निकी करे और 70 से 70 निकी कमाते रहे बस। जन्नत आप क्या कहोगे, माह रमजान गाना आप दोनों फीचर हो रहे और इस 52 महीने में रिलीज हो रहा है अभी 9th को। ये गाना मेरे हार्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज है और हम बहुत टाइम से, आई थिंक 1 साल से ज़्यादा हो गया हमें ये गाना को प्लान करते करते और इतना दिल लगाया इस गाने से और भाजी ने इतना खूबसूरती से गाया है कि आप जब भी गाना सुनेंगे तो आपको अलग सुकून मिलेगा। इस गाने में बहुत ज़्यादा सुकून है और हमने बहुत प्यार से इसको शूट भी किया है और बहुत रिलेटेबल है और रमज़ान में आ रहा है तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है हमारे लिए। सो वी जस्ट फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड लेट्स जस्ट गो। बहुत स्पेशल है फैज़ और जन्नत ने बनाया, आप बताइए कितना स्पेशल आपके लिए रहा और इतना जल्दी आपने गाना शूट किया और अब रिलीज भी है 9 तारीख को। सो जैसे जन्नत ने बताया कि वी वर प्लानिंग दिस फ्रॉम एटलीस्ट अ ईयर, यू नो द सॉन्ग वाज सो स्पेशल एंड खाली जन्नत को नहीं पूरी फैमिली का फेवरेट सॉन्ग है और हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। और जब इस गाने की कास्टिंग की बात आती है ना तो देयर इज नो वन बेटर देन फैज़ जन्नत, बिकॉज बहुत प्यार करती है जनता दोनों को साथ में और उनको साथ में देखना चाहती है और खास तौर पे ऐसा गाना जो रमज़ान से रिलेटेड हो और उसे बहुत अच्छे से निभाया है। बड़ा शॉर्ट टाइम पीरियड में वी थॉट ऑफ फ्लाइंग टू शिमला एंड वहाँ जाके शूटिंग का हमने अरेंजमेंट्स किए जाके, कोविड आपको मालूम है अभी चल रहा है, देयर वाज सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑल्सो बट दे वाज सो सपोर्टिव, आई कांट बी मोर थैंकफुल टू देम। इतना इन लोगों ने मेहनत किया, सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेट नाइट तक शूट करते रहे बिकॉज देयर वाज लेस टाइम देयर एंड जय पारिक ने ये गाना डायरेक्ट किया है और जो भी खड़े हैं प्लीज आइए एंड जय हैज डायरेक्टेड द सॉन्ग ब्यूटीफुली एंड फैज़ भाई का जो किरदार है वो बहुत मुझे पसंद आया इस गाने में एंड जन्नत ने भी, क्योंकि इन लोगों ने जो पहले गाने किए दे आर लार्जर देन लाइफ, दे आर ग्रैंड दुबई बिल्डिंग्स एंड लॉन्ग कार्स, यू नो ह्यूज कार्स, बट दिस टाइम दे हैव प्लेड अ वेरी रियल कैरेक्टर ऑफ यू नो स्मॉल बी टाउन सिटी ऑफ अ हिल स्टेशन। So that is what is appealing and you know it's so different for me to see that. जनत कैसा रहा एक्सपीरियंस शिमला में शूट करना? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हमने शूट एक दिन किया पर हम 3 दिन घूमे और बहुत बहुत मज़ा आया। वहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा था, पहले हमें लगा बहुत ज़्यादा ठंड होगी बट ऐसा कुछ नहीं था, इतना प्लेजेंट था, हमने बहुत मज़े किए यहाँ पे और बहुत दिन से शूट किया है और हमारी यूनिट वॉज वेरी सपोर्टिव। ऐसी जगह पे हमने जाके शूट किया है, बहुत बहुत ट्रैवल किया पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं लगी नेटवर्क को छोड़ के और बहुत मज़ा आया शूट करने में। नेटवर्क भी था कहीं कहीं, नेटवर्क कहीं कहीं था हाँ पर थोड़ा शॉर्टेज था बट उसके अलावा कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, इट वाज अ फन शूट। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, मुझे थोड़ा मोशन सिकनेस है जो कि बहुत है जो कि वो मतलब हिल स्टेशन टाइप था और बहुत माउंटेन्स थे और हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल किए, मतलब कंटिन्यू हमने 3 दिन तो बहुत ट्रैवल किया वो लोकेशन तक पहुँचने में और अलग अलग लोकेशन पे भी हम घूमे, वहाँ पे वहाँ की वाइब बहुत अच्छी थी, घूमने में बहुत मज़ा आया और ठंडी भी इतनी थी कि मतलब हम रह सके और इन्जॉय कर सके, तो बहुत मज़ा आई वहाँ पर। जन्नत और फैज़ ऑब्वियसली अकॉम्प्लिश्ड एक्टर्स हैं तो अभी लिहाज से मेरा बहुत अच्छे एक्टिंग स्किल्स रहे इस गाने में, तो एज डायरेक्टर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मुझे खुद को भी बहुत मज़ा आया उन दोनों के साथ काम करके और सो काफ़ी सारी चैलेंजेस थे शूट में और हमें पता नहीं था कि यू नो इतने डिफिकल्ट शेड्यूल में हम लोग कैसे फिनिश कर पाएंगे, बट एज जैसे टीम वर्क बहुत अच्छा रहा था, इनका हमें सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, उनका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग था,
So it was a very good experience. तू बोले तो कानों में शहद घुले, तू है उर्दू की जुबान, तुझे सुन सुन के मेरी नींद खुले, तू है सुबह की अज़ान, नाम की तेरे नमाज़े मैं पढ़ लूँ, नाम की तेरे नमाज़े मैं पढ़ लूँ, नाम का तेरे रोजा रख लूँ, तू है माहे रमजान, तू है माहे रमजान, तू है माहे रमजान, तू है माहे रमजान. Thank you so much and wish you all the best. Thank you so much. Thank you.